आप देख सकते हैं फाइनली मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। सिंपल मैं ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, माई बुकिंग पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल ट्रेन है और मैंने इस रूट में टिकट बुक किया हूँ जिस रूट में सिंगल ट्रेन चलता है स्लीपर क्लास में। मैंने 3 मिनट में ओपिनियन जनरेट हो गया था IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। आप यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हैं 25 जून 2022। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रेन टिकट पे और इसके बाद मैं सीट नंबर भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म लोअर बर्थ मिल रहा है और इस ट्रेन में नॉर्मल में भी रीग्रेड है, तो सोच सकते हैं इस ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ होगा। आखिर में टिकट मैंने कैसे बुक किया आप लोगों को मैंने वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग भी इजीली तरीके से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए तो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा, यानी कि फॉलो करना होगा, तभी आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक कर सकेंगे कन्फर्म, नहीं तो नहीं बुक कर पाएंगे। तो मैंने आखिर में ऐसा क्या किया जो यहाँ पे कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर लिया। सिंपल आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है और आप लोगों को यहाँ पे मास्टर लिस्ट बना लेना है। मास्टर लिस्ट कैसे बनाता है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे AC या फिर स्लीपर, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 मिनट पहले ही लॉगिन कर लेना है। यानी कि AC का टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को 9:58 पर लॉगिन करना है, यदि स्लीपर का बुकिंग करेंगे तो 10:58 पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है, इसके बाद बुक ट्रेन पे क्लिक करना है, यानी सॉरी बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म स्टेशन और टू स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल कोटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को तत्काल सेलेक्ट करना है या फिर PDM में तत्काल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च ट्रेन पे किस टाइम क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा तभी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर पाएंगे। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक भी मिस्टेक करते हैं, यानी कि एक भी गलती करेंगे तो टिकट बुक नहीं हो पाएगा। आप लोग यहाँ पे यदि स्लीपर टिकट बुक करते हैं तो 11:02-3 सेकेंड पर सर्च ट्रेन पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे और जिस ट्रेन में आप लोगों को टिकट बुक करना है, सिंपल आपको जिस क्लास पर आपको टिकट बुक करना है सिंपल आपको क्लिक करना है, यानी कि स्लीपर बुक करना है स्लीपर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जितने भी सीट होगा यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को मास्टर लिस्ट मैंने पहले बता चुका हूँ, मास्टर लिस्ट आप लोगों को पहले से ही बना के रखना है। तो अब देखिए मैंने 2 नाम ऐसे ही बना रखा हूँ मास्टर लिस्ट, तो आप लोगों को पहले से ही बना के रखना है। इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड की बात किया जाए तो इन दिनों PayTM को आप लोगों को नहीं सेलेक्ट करना, यानी PayTM वॉलेट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर OTP आने में काफ़ी ज़्यादा लेट लग जा रहा है, जिसकी वजह से भी हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर UPI सेलेक्ट करना है, रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है, आपके सामने एक कैप्चर देखने को मिल जाएंगे तो फटाफट आप लोगों को कैप्चर फिल करना होगा। इसके बाद आप लोगों को प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको भीम UPI सेलेक्ट करना है, पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको UPI नंबर जो है आपको यहाँ पे कॉपी करके रखना है, सिंपल यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे UPI ऑन करके रखना है। इसके बाद आपके पास एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिंपल आप लोग को यहाँ पे UPI पिन डालना होगा। जैसे UPI पिन डालेंगे तो आपका टिकट बुक कंफर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से भी कंफर्म टिकट बुक कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक सही होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग को मोबाइल के डाटा से तत्काल टिकट बुक नहीं करना है क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी हद तक कम होता है, तो आप लोग यहाँ पर ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो बस इतना, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।